आप सैर कर रहे हैं, सैर भी कीजिए और खबरों से अपडेट भी रहिए। द सूत्र आपके लिए लाया है सुबह का पॉडकास्ट, सैर भी खबर भी। नमस्कार, मैं हूं राहुल गढ़वाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 1 अक्टूबर को 5G सेवा का शुभारंभ करेंगे। आज से 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी 5G सर्विस की लॉन्चिंग करेंगे। कार्यक्रम में एक बार फिर नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। 2022 के लिए इस इवेंट की थीम न्यू डिजिटल यूनिवर्स रखी गई है। पहले फेज में 5G की सेवा देश के 13 शहरों को मिलेगी। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की बेंच ने दशहरा की छुट्टी पर जाने से एक दिन पहले शुक्रवार रात 9:10 तक कोर्ट में सुनवाई की। इस दौरान पीठ के सामने लगभग 75 मामले सूचीबद्ध किए गए। आमतौर पर अदालत शाम 4 उठती है। महान संगीतकार सचिन देव वर्मन का आज जन्मदिन है। ऐसे में आज मुंबई सहित देश के अन्य शहरों में उनके फैंस कार्यक्रम आयोजित करेंगे। SD बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को त्रिपुरा में हुआ था। उनके पिता त्रिपुरा के राजा ईशान चंद्र देव बर्मन दूसरे पुत्र थे। SD बर्मन साहब ने 1937 में शुरुआत तो बंगाली फिल्मों से की, लेकिन हिंदी फिल्मों में संगीत को उन्होंने नया मुकाम दिया। 100 से ज्यादा फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन साहब ने लता मंगेशकर से लेकर मोहम्मद रफी, किशोर कुमार से लेकर मुकेश तक हर किसी के करियर को 7वें आसमान पर पहुंचाया। टीम इंडिया के लिए एक राहत भरी खबर है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए हैं, वे अभी भी टीम इंडिया का हिस्सा हैं। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया कि बुमराह टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिलहाल वे टीम से बाहर नहीं हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि NCA में उनका इलाज किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी उनका इलाज जारी रहेगा। BCCI का कहना है कि 15 अक्टूबर तक हम उन पर आखिरी फैसला लेंगे। आकाश मिश्रा की रिपोर्ट।